अबे और बताओ भैया, स्मिथ कैसा लग रहा है? बराबरी की टक्कर हो रही है, मजा आ रहा है। तुमको क्या लगा था भैया हमें आउट करके तू मैच को जीत ले जाएगा? अबे स्मिथ और सारे ससुरी के तेरी कप्तानी झंड कर देंगे, पहली फुर्सत में निकल ले ऑस्ट्रेलिया के लिए। अबे ससुरी के स्मिथ भैया किस्मत अच्छी है तेरी, जो विराट कोहली आउट हो गया, वरना भैया 200-400 रन ऐसे ही ठोक देता हंसी मजाक में। फिर बैठते रोते रहते भैया तुम्हारे तो चड्डे गीले हो जाते फिर तो। और भैया रही बात फाइनल में जाने की, तो हमारे खिलाड़ी ऐसे ठोकेंगे कि ससुर की तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। और भैया पहली में निकल लो, अभी भी टाइम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, निकलो यार जल्दी जाओ। अबे हाँ बे यार, विराट भैया क्या खा के आता है भैया, ससुरी के तो आउट होने का नाम भी नहीं लेता भैया, तो टस से मस नहीं होता, ठुकते और ठोकते रहता है भैया। इतना हमारा सबले बल्लेबाजों को तुमने ऐसा ठोका है कि उनको तो अपनी नानी याद आ गई। और भैया रही बात मैच जीतने की, तो भैया मैं 100% कह सकता हूँ कि मैच तुम ही जीतने वाले हो भैया, सीरीज भी तुम ही जीतने वाले हो। पर भैया विराट दादा भैया मेरी लाज रख लो भैया, पेंट कमीज था पहले कप्तानी, अब कप्तानी मैं कर रहा हूँ भैया, प्लीज यार मेरी एक बार मेरे को मैच जीत लेने दो, फिर मैं जो बोलूंगा वो कर दूंगा भैया, एक बार जीत लेने दो यार। विराट दादा शतक पे शतक मत लगाओ भैया, दोहरा शतक लगा दोगे फिर वापिस से मेरी इज्जत का फलौदा बन जाएगा भैया, हमारे तो टट्टी जैसी टीम है पहले से ही। अबे ससुर के किंग कोहली नाम है भैया, तुम्हारी टट्टी जैसी टीम को हम 300-400 रन ऐसे मजाक में ठोक देते भैया, फिर बताओ तुम्हारी इज्जत क्या रहती। और रही बात भैया हमारी फॉर्म की, तो अभी अभी हमारी फॉर्म वापिस आई है, तो भैया हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, दबाकर रंग ठोकेंगे, दबाकर और तुम्हें दबाकर दबोचेंगे भैया, तुम्हें लुल बनाएंगे, तुम्हारी टीम को लुल बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना करेंगे।